Hi friends, I'm Pawan Sharma, teacher of English school classes. Please like, subscribe and comment on my channel and please ring the bell icon for never missing my updates. Okay friends, just share my videos. देखिए हम लोग इस पढ़ेंगे आज कंटिन्यूटी सेंटेंस। तो इसका गाइस कंटिन्यूटी इसमें गाइस वर्क का जारी होना पाया जाता है। तो सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स में क्या देगी, सूत्र सूत्र होगा इसका। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, ओके। प्रेजेंट के लिए आपको गाइस हैज या हैव का यूज करना होगा, ये तो सिंगुलर लगता है और ये प्लुरल के। और जब सेंटेंस पास्ट होगा तो इसके लिए हैड लगाते हैं, क्या लगाते हैं गाइस, हैड। और फ्यूचर होगा गाइस तो विल हैव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल हैव या शैल हैव का यूज करेंगे। उसके बाद गाइस बीन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, बीन। और वर्ब में आई एन जी, अदर होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा इस तो नहीं लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम। शिम्पडम मीन गाइस पहचान होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब, रहता रहती रहते है था या होगा। और बच्चे हंसता रहता है, ऐसा बोलते हैं, वो हंसता रहता है। सबसे पहले मुझे इसके लगेंगे सब्जेक्ट ही होगा ना, हैज प्रेजेंट हैज बीन। वो आप कैसे क्या हंसना, हंसने इंग्लिश क्या होती है लॉफ, लॉफ में क्या लेंगे एन जी, ही हैज बीन लॉफिंग। संजय हमेशा घूमता रहता था संजय घूमता रहता था, ऐसा हम लोगों को बोलना था। सबसे पहले मुझे लगेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, संजय। और पास्ट है गाइस, तो पास्ट के लिए हमने बताया हेड लगाने को ना गाइस, हेड बीन। घूमने के लिए मूछ होता है ना, या वंडर होता है, मूछ में आएंगे मूचिंग। अदर गाइस क्या बच रहा है, हमेशा ही हैड बीन मूचिंग ऑलवेज।